दुनिया भर में छाई विपरीत परिस्थितियों के बीच भारत ने काफी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, जिसकी वजह से दुनिया के कई विशेषज्ञ इसे सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहे हैं। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई अपने दूसरे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर भारत में $50 अरब का निवेश करने पर विचार कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक यूएई अपने दूसरे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर भारत में $50 अरब का निवेश कर रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक यूएई इस निर्णय का ऐलान अगले साल की शुरुआत में कर सकता है। इसी बीच कोई भी नया निवेश जुलाई में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद होगा। दोनों देश पिछले एक दशक से संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका लक्ष्य क्रूड ऑयल के अलावा भी ट्रेडिंग को $100 अरब तक बढ़ाना है। पीएम मोदी हाल ही में यूएई यात्रा पर थे, जो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनकी पांचवी यात्रा थी। रिपोर्ट के मुताबिक डील्स पर चर्चा की जा रही है, उनमें प्रमुख भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और राज्य के स्वामित्व वाले एसेट्स में हिस्सेदारी शामिल है, जिसकी घोषणा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले होने की संभावना है। इन निवेशों में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मुबा डाला इन्वेस्टमेंट कंपनी और एडीक्यू जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड शामिल हो सकते हैं। वही आपको बता दें कि भारत पर यूएई के इस भरोसे से सबसे ज्यादा तिलमिलाहट चीन को होने वाली है, जो लगातार मुस्लिम देशों को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगा हुआ है। उसकी इस कोशिश के बीच भारत की मुस्लिम देशों से बढ़ती नजदीकी, व्यापारिक रिश्तों में आ रही मजबूती और लगातार बढ़ते निवेश से चीन के माथे पर पसीना आना लाजमी है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए आज दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और दुनिया भर के निवेश भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे सही ठिकाना मान रहे हैं।